जिले में वहाँ के महाविद्यालय में ये हालात हैं कि वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ने को किताबें नहीं हैं, तो मैं कुलपति जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि इतने बड़े संस्थान में आप इतने उच्च पद पर बैठे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है कि लाइब्रेरी में पढ़ने को किताबें नहीं। शिक्षा को लेकर बॉलीवुड अभिनेता सीएम त्रिवेंद्र से नाराज। अभिनेता हेमंत पांडे ने जताई पिथौरागढ़ लाइब्रेरी पर चिंता। लाइब्रेरी में किताबें नहीं होने पर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। हेमंत ने सीएम को याद दिलाई शिक्षक की जरूरत और अहमियत। बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने उत्तराखंड में पढ़ाई की दयनीय व्यवस्था पर चोट करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। हेमंत ने एक वीडियो संदेश के जरिए पिथौरागढ़ में पढ़ाई के लिए किताबों की कमी पर सरकार का ध्यान खींचने और इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। हेमंत ने पिथौरागढ़ की लाइब्रेरी में किताबों की कमी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। पिथौरागढ़ हेमंत पांडे का गृह जनपद है और उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ की लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, जिसको लेकर बच्चे धरना तक दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी शासन और शिक्षा विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाने से वो आहत है और अपने दर्द को वो एक वीडियो के जरिए सबके सामने लाए हैं। आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। आज बड़ी दुखद सी बात ये है कि पिथौरागढ़ जनपद, जो लास्ट बॉर्डर है इंडिया का, जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है और जो मेरा गृह जनपद भी है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, उस जिले में वहाँ के महाविद्यालय में ये हालात हैं कि वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ने को किताबें नहीं हैं और पिछले कई दिनों से छात्र हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि उनकी मांग पूरी की जाए, उनको किताबें पढ़ने को दी जाएँ। कि हम अपने जीवन में तो जो पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज के बच्चों का इतना मौलिक अधिकार तो है कि वो अगर किताब खरीद के नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी है, पैसा नहीं है, तो लाइब्रेरी में तो पढ़ पाएँ। उनको आगे बढ़ने से हम एक मदद करेंगे अगर हम उनको किताबें दे पाएंगे। तो मैं कुलपति जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि इतने बड़े संस्थान में आप इतने उच्च पद पर बैठे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है कि लाइब्रेरी में पढ़ने को किताबें नहीं हैं, और हैं भी तो वो जो 1990 की किताबें चली आ रही हैं वो सब पढ़ने को मिल रही हैं। हेमंत पांडे ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी किताबों की कमी के लिए घेरा। हेमंत ने अपने संदेश में सीएम को ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही विकास का पहिया घूमता है और अगर राज्य के बच्चे शिक्षित होंगे तभी सरकार भी आगे बढ़ेगी। हेमंत पांडे ने सीएम से अनुरोध करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि सरकार बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। हेमंत ने उन बच्चों का समर्थन भी किया जो अपने आप के लिए आवाज उठा रहे हैं। हेमंत ने बच्चों से ये वादा भी किया कि वो शिक्षा सुविधाओं के लिए आवाज उठाने वालों के हमेशा साथ हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि भैजी, यह बात ठीक नहीं चल रहे। जब पढ़ाई ठीक से नहीं हुई सकनी तो और राजकाज कैसे चलोल भैजी, ये चिंता की बात छ। तो आपसे नम्र निवेदन ही कर सकते हैं हम तो, कि इस पर आप भी संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि किसी भी राज्य को या सरकार को या संस्कारों को आगे बढ़ने में शिक्षा ही सबसे बेहतर माध्यम है उस चीज़ को बढ़ाने का। तो आपसे भी मैं नम्र निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री जी, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और मैं भाया पिथौरागढ़ तमाम छात्रों ने यो कौन चाहें कि तुम्हारे ये आंदोलन में मैले तुम्हारे दगड़ छूँ, तुम अगिल बढ़ और हमेशा पिथौरागढ़ के छात्र राजनीति अव्वल रह लपें जा।